Hello students, this video is for class 7, science, chapter number 6, that is physical and chemical changes. Okay, in this video we are going to learn about physical and chemical changes. Physical and chemical changes. First of all, हम ये टॉपिक देखने से पहले let us discuss changes. Changes का मतलब क्या है बताओ तो? What is the meaning of change? आपने changes observe किए हैं आपके surrounding में? जैसे example consider करो, ये बड़ा अच्छा सा white सा paper था. मैंने इसको क्या कर दिया, इसके ऊपर जब मैं राइट करती हूँ, सो द सरफेस इज चेंजिंग. उसकी डिज़ाइन जो है पेपर की, वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है ना. सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ चेंज. जैसे ये एक सिंपल सा एग्जांपल था. आप ऑब्जर्व करते हो कि अगर पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल आप कंसिडर करो तो आपकी हाइट चेंज होती है ना. देर इज़ ए चेंज इन योर हाइट. After that, there is change in our weight. There is change in length of hairs. There is change in length of hairs. Okay? उसके बाद में change in complexion. हमारा complexion change होता है. Okay? और उसके बाद में suppose we consider what? आपके यहाँ पे आपको suppose mangoes पसंद है. जब रॉ होते हैं, रॉ मैंगोस, देन दे आर ग्रीन इन कलर एंड सोर इन टेस्ट. खट्टे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं. जैसे ही वो क्या हो जाएंगे, राइप हो जाएंगे, पकेंगे, आफ्टर दैट दे बिकम येलो इन कलर एंड स्वीट इन टेस्ट. ओके, सो हियर द कलर इज चेंजिंग फ्रॉम ग्रीन टू येलो. ओके, सो दिस इज अगेन ए टाइप ऑफ चेंज. आपके घर में अगर मामा मिल्क में थोड़ा सा कर्ड ऐड करके मिल्क का कन्वर्शन काय में करती है, कर्ड में करती है ना. ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ चेंज. आप राइस को कुक करते हो, कच्चे राइस दांतों तले चबाए जाएंगे क्या, हार्ड होते हैं, है ना. कुकिंग के बाद भी वो सॉफ्ट बन जाते हैं, तो कुकिंग इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ चेंज. ऐसे कई तरह के चेंजेस आपके सराउंडिंग में होते रहते हैं, है ना. जो चीज़ें मतलब किसी भी सब्सटेंस के किसी प्रॉपर्टी में चेंज होना, हम उसे बोलेंगे चेंज इन द सब्सटेंस. ओके, फॉर एग्जाम्पल, सो चेंज का बेसिक मीनिंग ये होता है, चेंज मीन्स द क्या, चेंज को तो चेंज ही बोलेंगे ना अपन, द चेंज इन शेप, साइज, स्टेट एटसेट्रा. डिफरेंट क्या बोलेंगे हम इसको, प्रॉपर्टीज, डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस इज टर्म्ड एज चेंज. ओके, चेंज का मतलब क्या, चेंज ये वर्ड जब हम केमिस्ट्री में बात करते हैं चेंज की, तो चेंज का मीनिंग ये है कि उसकी प्रॉपर्टीज बदलना. उसकी क्या बदलना, प्रॉपर्टीज बदलना. किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज अगर चेंज होती है तो हम बोलते हैं कि वो क्या है, मतलब दैट इज ए काइंड ऑफ केमिकल, सॉरी दैट इज ए काइंड ऑफ चेंज. उसे हम क्या बोलते हैं, चेंज बोलते हैं. चेंज इज रिलेटेड विद दी स्टेट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन. प्रीवियस स्टेट से दूसरी कोई तो भी डिफरेंट स्टेट लाना. जैसे कि सपोज आपका कॉम्प्लेक्शन, आप फेयर हो, दिन भर बीच पे घूमने के बाद में जो ओशियन वाटर होता है उसके उसमें खेलने के बाद में शाम तक आपका कॉम्प्लेक्शन कैसे हो जाता है, टैन हो जाता है. टैनिंग बोलते हैं ना इसको. अगर आप धूप में काम करते हो तो भी आपका क्या होता है, टैनिंग होता है. ओके, सो दिस इज द चेंज इन कॉम्प्लेक्शन. तो दैट इज अ टाइप ऑफ वॉट, इट इज ए टाइप ऑफ चेंज. ओके, सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट चेंज देर आर टू डिफरेंट वेज टू एक्सप्लेन इट. व्हाट आर दे, लेट अस सी. चेंज इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट टाइप्स. पहली टाइप है
फिजिकल चेंज और दूसरी टाइप है केमिकल चेंज, है ना। चेंज चेंजेस जो होते हैं सब्सटेंस में वो दो तरह के चेंजेस होते हैं, पहला है फिजिकल चेंज और दूसरा है केमिकल चेंज। तो ये फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का मतलब क्या है, इन डिटेल वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। ओके, सो लेट अस फर्स्ट नो अबाउट फिजिकल चेंज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज, ओके। सो फिजिकल चेंज को पता करने से पहले हमें पता होनी चाहिए फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या। तो ये सबसे पहले जो है सब्सटेंस का फिजिकल चेंज का मतलब होता है चेंजेस रिलेटेड टू इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। तो उसके पहले अपन कंसिडर करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी? ओके, फिजिकल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि चीज़ कैसे है। जैसे कि आइस है फॉर एग्जांपल, आइस को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ना कि ये कैसा है, हाथ को ठंडा लगता है, क्यूब के शेप में होता है, ओके, उसका टेम्परेचर कम होता है। दीज आर सम प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू आइस। ओके, व्हेनेवर वी यूज सम थिंग्स, फॉर एग्जांपल अभी मेरे हाथ में ये जो पेन है, व्हाट यू कैन से अबाउट दिस पेन? This pen is pink in color. Okay, so color is its property. Color is its property. It is cylindrical in shape. इसका shape देखो कैसे cylindrical shape है ना, तो shape ये होगी इसकी another property. Okay, इसकी मैं length measure कर सकते हो, that is its another property. So there are different properties of material. Okay, ये properties को भी आप physical और chemical properties में क्या कर सकते हो, divide कर सकते हो. Okay, so what is the meaning of physical property? See, first, physical property means a property, or property ko aur ek scientific naam hai, it is also known as characteristics. A characteristics, characteristic of an object that can be observed or measured, without changing its chemical composition. वो चीज़ काय से बनी हुई है, कौन कौन से सब्सटेंसेस उसमें है, ये किसी चीज़ के जानकारी के बगैर हम जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ का स्टडी कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड एज फिजिकल प्रॉपर्टीज़। उन्हें हम क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब द प्रॉपर्टीज़ विच आर रिलेटेड टू दीज थिंग्स। ओके, साइज, शेप, कलर, स्टेट, वेट, टेम्परेचर, प्रेशर। ये जो प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की, साइज क्या है, शेप कौन सा है, कलर कौन सा है, स्टेट मतलब सॉलिड है, लिक्विड है कि गैसीय स्टेट है, वेट कितना है, टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, ये कोई भी प्रॉपर्टी मेजर करने के लिए आपको सब्सटेंस काय से बना है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, कौन कौन से कंपाउंड्स प्रेजेंट है, ये सारी चीज़ों की जानकारी नहीं भी रही तो भी चलेगा। ओके, ऐसे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, दे आर कॉल्ड एज वॉट? फिजिकल प्रॉपर्टीज। ध्यान से सुनो, डेफिनेशन क्या है? ए प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल कंपोजिशन। सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन चेंज किए बगैर हम उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स मेजर कर सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन आता है? साइज, शेप, कलर, स्टेट, वेट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, सो दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। और अभी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर कोई चेंज होता है सब्सटेंस के, लेकिन सब्सटेंस का कंपोजिशन चेंज नहीं होता, ऐसे चेंजेस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम ऐसे चेंजेस को? दे आर कॉल्ड एज फिजिकल चेंजेस। ओके,
They are called as physical changes. See, physical changes. Physical changes. A change in which, a change in which a substance undergoes, a change in which a substance undergoes what a change in A change in its physical properties is called a physical change. A change in which a substance undergoes a change in its physical properties. ऐसा चेंज जिसमें क्या चेंज होता है, सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है. ऐसा चेंज जिसमें सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, ऐसे चेंज को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज. फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होना मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम क्या कंसिडर करते हैं, वाटर. वाटर को अगर मैंने ये किया, सपोज आइस है, आइस को मैंने मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद में मुझे क्या मिलता है, वाटर मिलता है. बराबर, ये जो चेंज है, अभी देखो ये जो चेंज है, आइस को मेल्ट करने के बाद में हमें क्या मिलता है, वाटर मिलता है. आइस को मेल्ट करके हमें वाटर मिलता है, बराबर है. अभी आइस में क्या है पता है क्या, आइस ये जो है मुझे पता है वाटर का फॉर्मूला है H2O. पता है हमने इसके पहले लेसन में देखा था, हाइड्रोजन के दो एटम्स और ऑक्सीजन का एक एटम मिलके वाटर का मॉलिक्यूल बनता है. आइस का फॉर्मूला क्या है, आइस जो है इसमें भी एक मॉलिक्यूल में आइस आइस के हाइड्रोजन के दो एटम है, ऑक्सीजन का एक एटम है. मतलब आइस का केमिकल स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ. वाटर से आइस में अगर आपने इसको कन्वर्ट किया या आइस का कन्वर्शन वाटर में किया, उसका केमिकल स्ट्रक्चर जैसा था वैसे का वैसा ही रहा. तो ऐसे चेंजेस जो है जिसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता, लेकिन आइस कौन से स्टेट में है, आइस इज इन सॉलिड स्टेट एंड वाटर इज इन लिक्विड स्टेट. ओके, सो आपने मेल्ट करने के बाद में क्या चेंज हुई, सब्सटेंस की स्टेट चेंज हुई. ओके, देयर इज व्हाट, चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस. ओके, सो दिस टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड एज फिजिकल चेंज. ऐसा चेंज जो है इसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज ऐसे बोलते हैं. ओके, हम एग्जाम्पल के तौर पर अभी देखो, आई एम हैविंग अ पेपर हियर. सपोज दिस इज ए न्यूज़पेपर. ये न्यूज़पेपर को मैंने क्या किया, कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया कि ये, हम दूसरा कोई तो भी पेज लेते हैं जो किसी काम का नहीं होगा, ऐसा कोई तो भी पेज. सी दिस इज ए रफ पेपर जो जिसकी लेंथ ज़्यादा है ना. मैंने इसको क्या किया, दिस इज ए रफ पेपर, इसके ऊपर क्या लिखा है कुछ ज़रूरत नहीं है जानने की. वॉट आई हैव डन, दिस इज ए रफ पेपर, आई फोल्ड दिस पेपर. वॉट हैपन, पहले इसकी विड्थ इतनी थी, अब इसको फोल्ड किया. फोल्ड करने के बाद में इसके स्ट्रक्चर में चेंज हुआ क्या, मतलब कंपोनेंट में चेंज हुआ क्या. पहले पेपर का मटेरियल था, अभी भी पेपर का ही मटेरियल है ना. सिर्फ उसकी क्या हो गई, विड्थ कम हो गई. मैंने इसको और फोल्ड किया. अब ये फोल्ड करने के बाद में इसके डायमेंशंस फिर से चेंज हो गए ना. डायमेंशन चेंज हो गए, इसकी लेंथ और ब्रेथ चेंज हो गई, लेकिन पेपर का मटेरियल कैसे है, पेपर ही है ना. ये इसमें मटेरियल चेंज हुआ क्या, सब्सटेंस का चेंज नहीं हुआ. ये जो चेंज है फोल्डिंग ऑफ पेपर, दिस इज ए फिजिकल चेंज. व्हाट इज दिस, दिस इज ए फिजिकल चेंज. अभी फॉर एग्जाम्पल सेकेंड चीज में क्या करती हूँ, मैं इसको बीच में से काट डालती हूँ. बिना काम का पेपर है, काटना नहीं चाहिए एक्चुअली, लेकिन साइंस एक्सपेरिमेंट के लिए हमने ये परफॉर्म किया. मुझे दो पेपर्स मिले, ये कैसा चेंज है,
अभी ये दो पेपर्स में मैंने यहाँ बीच में से काटने के बाद में पेपर से दूसरा कुछ सब्सटेंस बना क्या? नहीं बना। ये पेपर की प्रॉपर्टी, इसको जलाया तो इससे ऐश मिलेगी, इसको जलाया तो इससे भी ऐश ही मिलेंगी, दोनों पेपर के पेपर ही रहे। तो मतलब क्या है ऐसा चेंज जिसमें आप सब्सटेंस को के ऊपर कोई चेंज करने के बाद भी सब्सटेंस का जो जो स्ट्रक्चर है वो अगर चेंज नहीं होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज बोलते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज ए टाइप ऑफ फिजिकल चेंज। इसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज बोलते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज ए फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज इज जनरली रिलेटेड टू व्हाट? इट इज रिलेटेड टू चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस। ओके, फिजिकल चेंज इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज रिलेटेड टू चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस। चलो अभी एग्जाम्पल्स देखते हैं। लेट अस सी डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंज। एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंज, दो एग्जाम्पल्स हमने कंसिडर किए हैं यहाँ पे। फर्स्ट इज मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस इज वॉट? मेल्टिंग ऑफ आइस इज ए फिजिकल चेंज। इसमें क्या होता है? चेंज इन स्टेट ऑफ वॉट? चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की आपने क्या की? चेंज किया, स्टेट चेंज किया, मतलब वो सॉलिड से उसका कन्वर्जन काय में किया आपने? लिक्विड में किया। सॉलिड्स आर कन्वर्टेड इन टू लिक्विड। दिस काइंड ऑफ चेंज इज फिजिकल चेंज। ओके, सेकेंडली, सेकेंड चेंज हमने कौन सा कंसिडर किया था? कटिंग ऑफ ए पेपर। कटिंग ऑफ ए पेपर, आपने पेपर को कट किया, दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ वॉट? दैट इज ऑल्सो ए फिजिकल चेंज। ओके, ये भी क्या है? फिजिकल चेंज है आपका। थर्ड थर्ड एग्जाम्पल हम कंसिडर करेंगे, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस हमने कंसिडर किया था ना, वैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर। बॉइलिंग ऑफ वाटर ये क्या है? फिजिकल चेंज है। बॉइलिंग ऑफ वाटर का मतलब क्या है? आप वाटर की स्टेट चेंज कर रहे हो, वाटर से किसमें? दूसरा कौन सा सब्सटेंस आपने कंसिडर किया? वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया। ये जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज वॉट? इट इज कॉल्ड एज ए फिजिकल चेंज। फोर्थ प्रॉपर्टी आपने, फोर्थ एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं कि सपोज मैंने क्या किया? डिजॉल्विंग शुगर इंटू वॉटर। मैंने वाटर को शुगर में क्या किया? डिजॉल्व किया। गलत बोली मैं, है ना? मैंने क्या किया? शुगर को वाटर के अंदर डिजॉल्व कर दिया। डिजॉल्व होने के बाद में शुगर क्या हो जाती है? वाटर के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप है ना, उसके अंदर मिक्स हो जाती है। लेकिन शुगर की प्रॉपर्टीज चेंज होती है क्या? शुगर पहले स्वीट थी टेस्ट में, अभी जो शुगर एडेड वाटर है उसको टेस्ट करके देखो आप, आपको उसकी टेस्ट क्या मिलेगी? सेम मिलेगी, मिलेगी ना? और ये जो दो सब्सटेंसेस मिक्स किए हैं आप इसको इजीली सेपरेट भी कर सकते हो। शुगर वाटर में जो डिजॉल्व है वो आप क्या कर सकते हो? निकाल भी सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से कैसे निकालोगे? आपको क्या करना पड़ेगा? शुगर जिस वाटर में है उसको एक प्लेट में रखो और उसको सनलाइट में थोड़ी देर के लिए रखो। सन के वजह से वाटर वाटर इवोपरेट हो जाएगा, नीचे शुगर के पार्टिकल्स आपको पाउडर फॉर्म में ऐसे मिलेगी। ठीक है, शुगर डिजोल्व किया है, सॉल्ट डिजोल्व किया है वाटर में। सपोज यू हैव डिजोल्व सॉल्ट इन वाटर, अगर आपने वाटर में सॉल्ट डिजोल्व किया है तो भी आप क्या कर सकते हो? सॉल्ट वाटर में से सेपरेट निकालना पॉसिबल है। और सॉल्ट ऐड करने के बाद में वाटर का जो टेस्ट चेंज होती है ना, सॉल्टी बन जाता है वाटर। सो दिस इंडिकेट दैट सॉल्ट की प्रॉपर्टीज जो है उसके टेस्ट चेंज हुई है क्या? नहीं चेंज हुई है। ओके, ओनली देर इज द, पहले सॉल्ट कैसा था? सॉलिड फॉर्म में था, वाटर में डिजोल्व होके उसका फॉर्म चेंज हो गया, लेकिन स्टिल इट इज ए फिजिकल चेंज। ओके, इट इज वॉट? इट इज ए फिजिकल चेंज। ठीक है, सो यहाँ पे एक चीज आपको नोट करनी चाहिए। कौन सी? नोट करते हैं हम यहाँ पे कि इन ए फिजिकल चेंज नो
new substance is formed. Okay, in a physical change no new substance is formed. कोई नया substance form होता है क्या? नहीं होता है उसका. There is no change in nature of the substance. Okay, there is no change in chemical nature of the सब्सटेंस. सब्सटेंस का जो केमिकल नेचर होता है, केमिकल नेचर जो होता है सब्सटेंस का, वो इसमें चेंज होता है क्या? नहीं चेंज होता है. ओके, सो दिस इज रिलेटेड टू फिजिकल चेंज. व्हाट इज फिजिकल चेंज? फिर से देखते हैं. देखो, ए चेंज इन विच ए सब्सटेंस अंडरगोज ए चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड ए फिजिकल चेंज. फॉर एग्जाम्पल, आइस मेल्ट इन टू वॉटर. Ice is solid, water is liquid, there is change in state of the substance, it is a physical change. Ice का formula H2O था, water का formula H2O था, उसमें chemical composition में change नहीं हुआ है. Okay? Then example, इसके देखे थे हमने कुछ example, melting of ice, cutting of a paper, boiling of water, dissolving sugar into water, dissolving salt into water. Okay? These are all different types of physical changes. These are all different types of physical changes. Okay? Now see, physical changes जो आपके पास है, you can divide them into two categories. Physical changes जो है, इसको आप दो तरह के physical changes होते हैं. पहला जो physical change है, that is reversible change. याद है आपने पिछले साल reversible और irreversible changes देखे थे? पहला जो फिजिकल चेंज है वो आता है रिवर्सिबल कैटेगरी में, और दूसरा जो फिजिकल चेंज है वो आएगा इररिवर्सिबल चेंज की कैटेगरी में. इसका एग्जांपल देखो, तो एग्जांपल के तौर पे हम क्या कंसीडर करेंगे. देखो, याद है हमने पेपर कट किया था थोड़ी देर पहले. ये अभी ये जो कट किया हुआ पेपर है, क्या मैं इसको एज इट इज फिर से दोबारा ज्वाइन कर सकती हूँ? थोड़ा सा ग्लू लगेगा, है ना? लेकिन फिर ओरिजिनल जैसे के वैसे बनना कैसे है? मुश्किल है ना? तो ये जो है ऐसा चेंज जो है, जो मैंने कट तो कर दिया लेकिन अभी ज्वाइन करना फॉर एग्जांपल मुश्किल है, ऐसे चेंज को आप बोल सकते हो इररिवर्सिबल चेंज, जो फिर से रिपीट नहीं हो सकता है. लेकिन अभी ये देखो, मैंने यहाँ पे बीच में फोल्ड किया था, है ना? ये फोल्ड तो कर लिया था मैंने, क्या मैं इसको थोड़ा सा प्रेस करके बीच में थोड़ी देर अगर मैं इसको किसी हेवी वेटेड सब्सटेंस के नीचे रखूंगी तो क्या ओरिजिनल पेपर मुझे वापस नहीं मिल सकता जैसा पहले था? हाँ, मिल सकता है. ओके, तो ये जो चेंज है जिसमें ओरिजिनल सब्सटेंस जैसा का वैसा वापस मिलता है, ऐसे चेंज को बोलते हैं हम रिवर्सिबल चेंज. और जिसमें ओरिजिनल सब्सटेंस आपको जैसा का जैसे पहले था वैसा का वैसा वापस नहीं मिलता है, ऐसे चेंज को आप क्या बोलते हो? इररिवर्सिबल चेंज. ओके, सो दिस चेंजेस आर फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल एज वेल एज इररिवर्सिबल. ओके, फिजिकल चेंजेस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. कौन से? रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल चेंजेस. ओके, रिवर्सिबल चेंजेस मतलब ऐसे चेंजेस जो आप क्या कर सकते हो, जो रिवर्स कर सकते हो. ए चेंज दैट कैन बी रिवर्स्ड, ए चेंज दैट कैन बी रिवर्स्ड is called reversible change. Reversible physical change we will call it. Example, melting of ice. ये कर सकते हो ना, रिवर्स कर सकते हो. आइस को मेल्ट करके वाटर मिलेगा, तो वाटर को कूल करके आपको आइस भी क्या कर सकते हो? मिल सकता है. ओके, दिस इज रिवर्सिबल चेंज. बॉइलिंग ऑफ वाटर अगेन इट इज वॉट? दिस इज ए टाइप ऑफ रिवर्सिबल चेंज, ये रिवर्सिबल की कैटेगरी में आएगा. मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम, मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम इज ए रिवर्सिबल चेंज. मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम इज ए रिवर्सिबल चेंज. क्रशिंग ऑफ पेपर, क्रशिंग ऑफ पेपर, पेपर को क्रश किया ऐसे, तो ये जो है
इसको भी फिर से वापस हम ओरिजिनल पेपर जैसे ला सकते हैं ना, ला सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ रिवर्सिबल चेंज। ओके, क्रशिंग ऑफ पेपर, देन उसके बाद में बॉइलिंग ऑफ ऑयल, दिस ऑल कम इन द कैटेगरी ऑफ रिवर्सिबल चेंज। ओके, ये सारे के सारे किस कैटेगरी में आएंगे? रिवर्सिबल ऑफ रिवर्सिबल चेंजेस के कैटेगरी में आ सकते हैं। सेकेंड जो टाइप है फिजिकल चेंज का, सेकेंड टाइप, दैट इज इररिवर्सिबल चेंज। इररिवर्सिबल चेंज मीन्स वॉट? ए चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ऐसा चेंज जो आप रिवर्स नहीं कर सकते हो, दैट चेंज इज कॉल्ड एज इररिवर्सिबल चेंज। फॉर एग्जाम्पल, हमने जो देखा टियरिंग ऑफ पेपर, टियरिंग ऑफ पेपर, पेपर आपने फाड़ा, फिर रिवर्सिबल मतलब फिर जैसे के वैसे आप ला सकते हो क्या इसको? नहीं ला सकते हो। सेकेंड इज कटिंग ऑफ वुड, आपने वुड कट किया, कट करने के बाद में वुड का दूसरा सब्सटेंस बनता है क्या? कोई नहीं, वुड का रहता वुड ही है, लेकिन उसको फिर से आप क्या कर सकते हो? ज्वाइन कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। ओके, सो दिस इज वॉट? दिस इज इररिवर्सिबल चेंज। ब्रेकिंग ऑफ एग, ब्रेकिंग ऑफ एग, एग को ब्रेक करो, उसके बाद में रहेगा वो एग ही, लेकिन उसको आप फिर से ज्वाइन कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। ओके, सो दिस इज अगेन ए टाइप ऑफ इररिवर्सिबल चेंज। ग्राइंडिंग चिलीज, आपने चिलीज को ग्राइंड किया, चिली की पेस्ट बनेगी, उसका तीखापन वैसे का वैसा रहेगा, लेकिन इसको आप फिर से कंप्लीट चिली में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। ग्राइंडिंग व्हीट, व्हीट से पाउडर बना, व्हीट का पाउडर से फिर से व्हीट बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। सो दिस इज अगेन ए टाइप ऑफ व्हाट? इररिवर्सिबल चेंज। ठीक है, सो वी हैव सीन what is the meaning of reversible change and irreversible change, and we have seen different examples of it. What are they? A change that can be reversed is called as reversible change. Example, melting of ice, boiling of ice, melting of ice cream, crushing of paper and boiling of oil. Okay, irreversible change mein aayega a change that cannot be reversed. For example, tearing of paper, cutting of wood, breaking of egg, grinding chili and grinding wheat. Okay? यहाँ तक sufficient है, इसके बाद का next video में देखेंगे।